वेद में और ब्राह्मण ग्रंथ में आखिर है क्या, लिखा क्या है उसके अंदर। तो ये समाज की विकास की प्रक्रिया के साथ में इन वेदों का भी, विचारों का भी, समझ का भी विकास हुआ, नए नए चीजें डेवलप हुई हैं। पहले जो है ना वेद लिखे गए, और वेदों में पहले ऋग्वेद लिखा गया, और ऋग्वेद में 10,580 जो है मंत्र हैं और इसमें 10 खंड हैं, दूसरे से लेकर के सातवें तक। ये पुराना मुख्य जो है इसका वेद का जो है सार है, वो पहला आठवां नौवां दसवां खंड ये बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसके टोटल 10 खंड हैं। और इसके अंदर देवताओं की जो है स्तुतियां हैं, उपासना है, और इसको जो गाते थे, बोलते थे, कहते थे यज्ञ में जो बोलते थे, उसको पुरोहित कहा जाता था। और इसमें ये भी समझना है कि ये जो पूरे मंत्र हैं इसमें से 250 मंत्र खाली इंद्र देवता की स्तुति है, और 240 के आसपास अग्नि देवता की स्तुति है। तो ये सारे मैंने जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए ये स्तुतियां हैं इसके अंदर। नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, और तीसरे में जो है गायत्री मंत्र का जाप है, जो गायत्री मंत्र जो आज हम कहते हैं, वो तीसरे नंबर के तीसरे खंड में इसका विवरण है। अब साथी दूसरा जो है वेद था सामवेद। साम का मतलब होता है गायन। इसमें क्या होता था कि एक जो ब्राह्मण है वो जो मंत्रों का उच्चारण करता था, उच्चारण के साथ में एक दूसरा ब्राह्मण है जो गायन करता था, मतलब इसको मंत्रों को गाता था। तो ये दो लोग मिलके करते थे, जो गायन करता था, गाता था। जैसे अभी महिलाएं नहीं, कुछ कार्यक्रम होता है तो पंडित पूजा कर रहे हैं, महिलाएं कुछ गीत गा रही हैं, उसी तरीके से उस समय महिलाएं नहीं, उस समय एक दूसरा ब्राह्मण एक गायन करता था। तो जो गायन करता था वही गायन के जो उसके जो गीत हैं वो सामवेद के अंदर है, और इसमें अधिकतर जो है गायन वो जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो भी गाता था, और इसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं थी थोड़ा बहुत। तो इसमें 70-75 जो है जो मंत्र हैं वो नए हैं, बाकी के जो ऋग्वेद के अंदर मंत्र हैं बहुत सारे मंत्र उन्हीं में से इसमें गाए जाते थे। तो इसमें 1539 मंत्रों में 75 नए हैं, और ये 1539 मंत्र जो है ये गाए जाते थे। तो ये गायन के लिए है, जो गाए जाते थे उनका संकलन, उनको इकट्ठा सामवेद में किया गया। तीसरा वेद है यजुर्वेद। ये जो यजुर्वेद में दो हिस्से हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो यजुर्वेद है ये जो है कर्मकांडी है। कर्मकांडी मीन्स इसमें जो है जो विधियां, यज्ञ करने की विधियां, और किस तरीके से यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ कैसे करना है, किस तरीके का उसके अंदर वेदी बनेगी, किस तरीके का हवन होगा, हवन कुंड किस तरीके की होगी, किस दिशा में मुंह करके हवन करना है। तो इस कर्मकांड का जो सिस्टम था, नियम था, वो जो है इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद के भी दो हिस्से हैं, मैंने बताया आपको। जब आगे हम ब्राह्मण ग्रंथ समझेंगे तो हमें पाएंगे कि जो दोनों अलग अलग यजुर्वेद हैं वो दोनों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये साथियों यजुर्वेद के अंदर सारी विधियां थी कि किस तरीके से यज्ञ करना है, हवन करना है, उसकी विधियां जो है वो यजुर्वेद के अंदर थी। चौथा था अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बाद में लिखा गया, बाद में जोड़ा गया। तो अथर्ववेद के अंदर सारा जितना भी जादू, टोने, ज्योतिष, टोटके, वशीकरण, ये जो जनता की जो समस्याओं का निदान, जो बाद में ये अंधविश्वास पैदा किए गए, और अंधविश्वासों से, मंत्रों से झाड़ा फूंकी करके ये जो है जो लोगों के कष्टों को दूर करने का कॉन्सेप्ट आया, वो सारा उसका जो सिस्टम है वो अथर्ववेद के अंदर है। तो ये चार वेद हैं जो अलग अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन की आपके सामने। और इसमें अथर्ववेद में 5,970 मंत्र हैं, ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। दोनों के टाइम पे लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, खाली सुनाए जाते थे,
सुन सुना के काम चलता था, एक ने सुना दिया दूसरे को, सुना दिया दूसरे ने तीसरे को सुना दिया, इस तरीके से ये सुन सुना के आगे बढ़े हैं। जितनी ये ऋषि मुनि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ में ये दार्शनिक है, और दार्शनिक होने के नाते समाज के विकास की प्रक्रिया को इसके साथ अटैच करके जोड़ के बना के सारा डेवलपमेंट ब्राह्मणों ने किया। समाज कैसे चलेगा, कैसे विकास होगा, समाज के क्या नियम होंगे, कैसे राजसत्ता चलेगी, राजसत्ता का क्या सिस्टम होगा, धर्म के अंदर क्या होगा, धर्म में किस तरीके के विचार होंगे, हर एक ने एक एक विचार को डेवलप किया है। तो पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद जो है फिर और विकास हुआ, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों को समझने के लिए लिखे गए। अब इसके बाद से हवन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब ये आया कि अगर देवता को खुश करना है तो हवन करो, हवन से अग्नि से जो हवन करते हैं उसमें उसका जो धुआं है वो उसके वो धुआं जो है इसके माध्यम से वो देवताओं तक मैसेज पहुंचता है, हमारी बात पहुंचती है, तो देवता हमारी सहायता करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हवन वगैरह शुरू हुआ। तो जो मैंने बताया आपको कि दसवां खंड आखिरी में जोड़ा गया जिसमें वर्ण व्यवस्था को समझना है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में जाति वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति इसका बहुत चर्चा हो रहा है समाज के अंदर, तो ये हमको इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझना है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उस रूप में जाति के रूप में नहीं थी, वेदों के अंदर भी वर्ण व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं था, मगर आर्य जैसी आए थे, आर्यों के अंदर ये कैटेगराइजेशन था पहले से था। तो उसमें जो है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र वैश्य जो बने, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का जो कैटेगरी था ये आर्यों के अंदर था, और ये काम आधारित था, ये जाति नहीं थी, ये जो उस काम को करता था उसको उस जगह या उस वर्ण का जो है माना जाता था। जैसे कोई पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखता है इस तरीके की व्यवस्था में तो सदा उसको ब्राह्मण कहने लगते थे। एक घर में तीन आदमी है, तीनों वर्ण का अलग अलग काम कर रहे हैं तो तीनों आदमियों को अलग अलग वर्ण में गिना जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था थी। तो समाज का जो विकास है उसको सब चीजों को समझने के सब कुछ इसके अंदर है, जिनको ब्राह्मणों ने पैदा किया ये समझना है। इस पूरी व्यवस्था के सूत्रधार केवल एक ही वर्ग है, वो है ब्राह्मण, जिन्होंने इस पूरी को डिजाइन किया, पूरी को ईजाद किया है, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें डालने की कोशिश की कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की पूजा हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठता कभी कम नहीं होने दी उन्होंने, और जब भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पे या उस कुछ कमी आई तो उन्होंने कुछ ना कुछ नया ईजाद किया, कुछ ना कुछ नया पैदा किया, समाज को डराया। तो समय का बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो ब्राह्मण था, ये साथियों हमको समझना है। एक बात और समझना है इसी में कि बाद में क्या हुआ कि ये जो सुनसुना के काम चलता था, सुनसुना के एक दूसरे को सुनाते थे चलाते थे, एक समय के बाद ब्राह्मणों ने कहा कि ये सुनसुना के इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है भगवान ने की है, या इसकी रचना जो है ईश्वर ने की है, इसलिए इसको लिखना नहीं है, इसको कहीं कंठस्थ याद रखना है, और कंठस्थ याद जो है उनको रखना है, ब्राह्मणों को रखना है। तो ब्राह्मणों ने ये वो साथ में भी देखना, जो संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा जो आज लुप्त हुई है उसका कारण भी यही था कि ब्राह्मणों ने जो वेद थे, जो उस समय की लिखने का सुनने का पढ़ने का गाने का जो था वेद थे जो, उसको संस्कृत भाषा को उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण को ही संस्कृत पढ़नी है, ब्राह्मण ही संस्कृत समझ सकता है, ब्राह्मण ही मंत्रों का अर्थ समझ सकता है, ब्राह्मण ही मंत्रों का अर्थ समझाएगा बताएगा। तो आखिरी में ये संस्कृत जो है खाली ब्राह्मणों के लिए बची थी, इसलिए बाद में वो आम जनता की भाषा नहीं रही, क्योंकि आम जनता पे प्रतिबंध था, शूद्रों को वैसे ही मना कर दिया था, बाकी भी बोली में जो है संस्कृत का इस्तेमाल कम हो रहा था, जो नॉर्मल बोलियां थी वो इसमें थी, संस्कृत का इस्तेमाल केवल स्पेशली ये कहा गया कि मंत्र वेद इसके जो है सारी संस्कृत में है, कि ये जनता का विश्वास, जनता को दिमागी रूप से डर लालच की थ्योरी, दिमागी रूप से कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करके उनको उस व्यवस्था में ढालना, उसको मनवाना, उसके साथ भगवान के साथ जोड़ना, ये सारा एक पूरा प्लानिंग था, प्लानिंग किया हुआ, सिस्टमेटिक से प्लान किया हुआ आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिस विचारधारा को लोगों के दिमाग में धीरे धीरे करके डाला
और वो विचारधारा फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चली, जो आज हमारे सामने है ये उस समय बोए गई विचारधारा का बीज है जो फल कर बड़ा होते होते आज वृक्ष के रूप में हमारे सामने। तो ये ऐसा ही हुआ जिसको हमको समझना है। और अब इस वीडियो को मैं अब यही खत्म करता हूँ और आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करवाने में सहयोग करें। तो जागरूकता अभियान जो हम चला रहे हैं इसमें सहयोग करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग करेंगे और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।